हाँ कम है ना। चालू करते हैं अपने सेशन को। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे हमने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ाए थे, बराबर ना? किधर तलब पढ़ाए थे, किसी ने लिख के लिए है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो लेक्चर अटेंड नहीं किए थी, इसका मतलब शाम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो बेटा, रेजिस्टिविटी, ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। दिख रहा है ऑनलाइन वाले? ये दिख रहा है बोर्ड के ऊपर का? शेख भाई, इस मोबाइल पे लिंक सेंड करेंगे? मेरे रेगुलर नंबर पे सेंड करो, इस पे ब्लर दिख रहा है। रुको बेटा, आपके लिए सब कुछ चालू है। देखो अभी दूसरे को म्यूट करना मेरे को। तेरी वाली पागल नहीं है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग कौन से साइन से डिनोट करते हैं बोलो? रो साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है? कौन से साइन से डिनोट करेंगे बोलो? कौन से साइन से डिनोट करेंगे? रो। किसको रो से डिनोट किया जाएगा बोलो? अरे किसको डिनोट किया जाएगा बोलो? ओके, नाउ लेट्स सी, क्योंकि उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलो अभी ये कौन है मुझे बता देना, ये कौन है? अरे ये कौन है? जोर से बोलो। ठीक है, इधर से लेके इधर तक कौन है? अरे कौन है? ये कौन है? अरे ये कौन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल फॉर एल फॉर ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, ये बेटा करंट है, करंट को अपोज करने वाला कौन है? अरे करंट को अपोज करने वाला कौन है? करंट को प्रपोज अपोज करने वाला कौन है? करंट को अपोज करने वाला कौन है? रेजिस्टर। ये करंट को क्या करता है? करंट भागना चाहता है, करंट भागना चाहता है, तो बीच में आके रेजिस्टेंस क्या करता है? प्रकर अपोज करता है। शी, अपना डेवलपमेंट है, बीच में आके कोई, यार ये लोग क्या बोलते हैं? को प्रपोज बोलते हैं, अपोज अपोज है वो। ओके, करंट को क्या करता है? ये अपोज करता है। वो कौन है? करंट को रुकाने वाला कौन है? अरे टाइप करो, टाइप करो, सुबह सुबह मेरा मुंह देख के आपको नींद आ जाएगी। तो करंट को अपोज कौन करेगा बेटा? रेजिस्टर। ठीक है बेटा, अभी देखो, जितना लेंथ ज्यादा उतना कौन ज्यादा? जितना लेंथ ज्यादा उतना कौन ज्यादा?
जितना लेंथ, अभी देखो जितना एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, बराबर है ना। क्योंकि देखो ना, अभी मैंने दीवार का एग्जांपल दिया था, मैंने क्लासरूम छोड़ दिया, सपोज मान लो ये दरवाजा है, दरवाजे में निकलने के लिए आपको दिक्कतें होगी, आपको अपोज होगा, इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस होगा। क्यों रेजिस्टेंस होगा? एरिया क्या है? कम। एरिया क्या है? कम। रेजिस्टेंस ज्यादा। उस दरवाजे को तोड़ के पूरे दीवार को दरवाजा बना दिया, क्या किया हम लोग ने? इस दरवाजे को तोड़ के पूरे दीवार को दरवाजा बना दिया। देन कोई भी कभी भी मन में आए जा सकता है, आ सकता है, क्या कर सकता है? जा सकता है, आ सकता है। तो अपोज हुआ क्या? नहीं। रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। क्यों कम हो गया? एरिया को बढ़ाया, समझा कि नहीं? एरिया को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को कम करेंगे, एरिया को कम करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। नहीं समझे? हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड। तो बच्चा लोग देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, चलो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, क्या लिखेंगे बोलो? पहला 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 डायरेक्टली क्या लिखेंगे बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, किसका? लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या लिखेंगे? एल। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे? इनवर्सली। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो? प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, बोलो, क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर इकट्ठा करके लिखेंगे क्या? क्यों नहीं लिख सकते? कैसे लिखेंगे बोलो? अरे कैसे लिखेंगे इकट्ठा करके? अरे बोलो ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या होता है? आर। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो इधर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू रो एल बाय रो एल बाय आर का मतलब, बोलो बोलो, आर का मतलब, आर का मतलब, रो का मतलब कॉन्स्टेंट, और उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, और क्या बोल सकते हैं? अरे बोलो ना, और क्या बोल सकते हैं? रो का फॉर्मूला क्या आएगा? आर ए बाय, आर ए बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सबको इकट्ठा किए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इधर क्या लिखा? रो, रो का मतलब आर रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। इसका करेंगे डेफिनेशन, कौन सा नेशन? चलो डेफिनेशन करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, क्या फॉर्मूला है बोलो? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन, तो इधर डिफाइन कैसे बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट,
resistance of conductor per unit length. Resistance of conductor per unit length. And डिफाइन कैसे किया समझा? अपॉन में होता है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? पर यूनिट। चलो तो क्या करेंगे बोलो फिर से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस पर यूनिट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक बार फिर से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक बार फिर से सब लोग तैयार? चलो अभी जैसे मंत्र का पठन होता है। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं समझे? जैसे दिखता है वैसे मैंने क्या बना है? अरे बोलो क्या बना है? जोर से बोलो। चलो तो अभी देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे इधर? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। बोलो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एरिया। इनको दिखना चाहिए ना। कोई तो वेटिंग रूम, ए वेटिंग रूम सेक भाई इसको अंदर ले लो। कोई तो वेटिंग रूम में है। क्या है समझ में नहीं आता रे? ए बेटी क्या समझ में नहीं आता? बोल बोल, मेरे को नींद नहीं लगी थी फिर। अच्छा तेरी 100 को समझ में नहीं आता। बेटा पक्का ना? नहीं तो मुझे को ना ऐसा कोई बोलते समझ में नहीं आते तो मेरे को नींद। ये किसी ने तो बोला था ध्यान नहीं देते शाम के बैच के ऊपर ऑनलाइन में, तो उस दिन मैं 4 दिन सोया नहीं था। खाना भी कितना खाता था? 5 चपाती राइस खुद कम किया खाना, बस इतना ही। मैं नाश्ता भी बहुत कम करता हूँ, 5 समोसे खाता। क्या हुआ बेटी? आपका मोबाइल बहुत अच्छे है। तू तो उसके वांदे के पीछे पड़ी है। आजकल लोगों को कोई भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा मोबाइल। हो गए कहीं कि नहीं हो गए तो करिए।
हो गया। चलो हो गया। चलो हो गया लिख के। चलो पेज नंबर ओपन करना। हाँ एसआई यूनिट अभी निकालना है। सुनो बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट? रो का एसआई यूनिट क्या है बोलो? रो। रो का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले बता दे दो। चलो क्या आएगा? आर ए एसआई यूनिट ऑफ रो इज क्या आएगा बोलो? एसआई यूनिट ऑफ रो ये क्या आएगा? रेजिस्टेंस क्या आएगा? अरे रेजिस्टेंस क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? मीटर क्या आएगा? ये वाला कैंसल बचा कौन बोलो? अरे बोलो ना। चलो हो गया ओहम मीटर। क्या हो गया बोलो? ओहम पहले क्या? रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का, ओहम एरिया का, लेंथ का, मीटर मीटर बचा कौन? ओके क्लियर हो गया। चलो अभी हम लोग को क्या बताना है? देखो कंडक्टिविटी। कौन सा विटी? अभी देखो करंट को अपोज कौन करता है बोलो? करंट को अपोज कौन करता है? कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या करेगा? हेल्प करेगा। सिंपल चीज, कंडक्टिविटी की रो से डिनोट किया जाता है। ये कंडक्टर भाई साहब है। कौन भाई साहब है? टिकट 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 कंडक्टर भाई साहब। ये क्या होता है? देखो कंडक्टर किसको? अभी देखो कंडक्टर किसको? करंट को अपोज कौन करता है बोलो? करंट को अपोज कौन करता है? करंट को हेल्प कौन करता है? करंट को हेल्प कौन करता है? कंडक्टेंस। कंडक्ट समझा? तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर कैसे है? अपोजिट। करंट को भगा के कौन लेके जाएगा? करंट को रुकाएगा कौन? समझा ना? लड़के के फ्रेंड कंडक्टर, लड़की का भाई। समझा कि नहीं? लड़के के फ्रेंड। हाँ तो उसको हम लोग क्या? कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टी बोलो। कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। तो बच्चा लोग समझ में आया क्या? लड़के के फ्रेंड
और लड़की का भाई, समझा ना? समझा कि नहीं? हाँ, नाउ लेट्स सी, अभी अच्छे से समझा हो गया, चालू लगी, समझा कि नहीं समझा? हाँ चलो, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बोलो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, बोलो कंडक्टिविटी उल्टा है ना, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी उल्टा है, रेजिस्टिविटी अपोज करेगा कंडक्टिविटी प्रपोज, सॉरी कंडक्टिविटी हेल्प करेगा, कंडक्टिविटी अपॉन क्या आएगा बोलो बेटा? अरे बोलो ना, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी में कौन आने वाला है? कंडक्टिविटी किससे डिनोट करेगा? रो से। रेजिस्टिविटी किससे डिनोट करेगा? रो से। ओके, बराबर है ना? अरे ये नहीं समझा तेरे को? नहीं समझा? हाँ, तो ये सिग्मा और खुश, इसके शक्ल से पटक से समझते, समझा कि नहीं? चल, यस आई नीड टाइम, यस आई यूनिट, यस आई यूनिट ऑफ सिग्मा इज क्या आएगा बोलो? सिंपल है, क्या आएगा बोलो? ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी क्या है? तो क्या लिखेंगे? ओहम मीटर माइनस वन, सोहम नहीं, ओहम बोलेंगे, सोहम ही बोला। ओके, तो अभी देखो उसका यूनिट क्या आता है? साइमन, साइमन क्या है? साइमन मीटर है ना? चल ले, काय झालं? क्या हुआ रे तेरे को? पागल बोली, अभी क्यों दर्दिक ले रही है उसको? वो तो पागल बोली उसको, पागल। डायरेक्ट पागल कैसे? तुम लोग पागल वर्ड कॉमन है, पागल। हो गए लिख के ऑनलाइन वाले? Thank you.
पेज नंबर में बता देता हूँ। चलो पेज नंबर ओपन करो 220 है ना बेटा। मेरे पास बुक है बुक मेरे पास। अरे पेज नंबर भी बाया है मेरे को, समझा क्या? विश्वास नहीं है सर के ऊपर। स्वेटर पेन क्या ले? चलो अपन किधर आए हैं? हाँ पेज नंबर हम यहाँ दिखाई नहीं, सॉरी। पेज नंबर, अरे बोलो ना, कितना पेज नंबर? चलो 220। हाँ तू उसको देख के बोल रहे 220। चलो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फोर का एट। चलो कौन रीड करेगा? रीड करेगी बेटी। चलो जोर से, इधर से घर पे आवाज जाना चाहिए इन लोग के। हाँ, 6 meter long wire has diameter 0.5. हाँ मुझे बता क्या दिए है? 6 meter long wire. इसका मतलब उन्होंने क्या दिए? लेंथ। वेरी गुड। इधर हाँ, और उन्होंने डायामीटर कितना दिया है? डायामीटर 0.5। डायामीटर से आधा कौन रहता है? तो रेडियस इज इक्वल टू डी बाय, बोलो बेटा। और इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 50 ओम। टू फाइंड करने के लिए क्या बोला? टू फाइंड, पहला क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? और उसके बाद क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है क्या रे बेटा? रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। रो इज इक्वल टू आर एरिया बाय आर स्क्वायर बाय एल। आर के जगह पे रेजिस्टेंस, एरिया के जगह पे पाई आर स्क्वायर, और लेंथ के जगह पे
एल। चलो वैल्यू पुट करो, देखते हैं कौन आंसर निकालता है। मैंने वैल्यू भी पुट किए नहीं है, देखो इधर आपको पूरा बनाना है। किसी के पास शरीर पिटी शार्पनर है तेरे पास? एक मिनट बेटा, ऑनलाइन वाले द्वारा बोलो। शादी में आएंगे बुलाना, नहीं तो भूल जाएगी। हो गया लिख के, आया क्या आंसर? Thank you.
Okay, take care, sir. ओके हो गया। रेजिस्टेंस लेंथ कितना है बेटा बोलो। मैडम लेंथ कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर ये हो गया क्या? आंसर आएगा इसका। डायमीटर कितना है? 0.5 mm। बाय क्या आएगा? तो आर का वैल्यू क्या होने वाला है? 0.25 × 10⁻³ mm। हाँ बोल। उसके बाद क्या है? रेजिस्टेंस कितना है? 50। चलो करो वैल्यू पुट करो। इसमें रो का वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना आएगा? आर का वैल्यू कितना आएगा? 50। पाई का वैल्यू कितना आएगा? आर का वैल्यू कितना आएगा? 2π × 10⁻³। एल का वैल्यू कितना आएगा? 6। रो का वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट करो जल्द से जल्द। Do it fast! गया कैलकुलेशन आप घर पे करना, ठीक है? बाकी वो जरा टफ जाएगा, लॉग आना चाहिए उसके लिए जो आपके पास नहीं है लॉग बुक, बराबर है ना? तो अभी मत निकलो। रो का वैल्यू कितना है? ओहम मीटर। हाँ, और रो कितना दिया है? अभी सिग्मा निकालना है। सिग्मा कैसे निकालते हैं? ये रो निकाला ना आपने, अभी सिग्मा निकालना है। सिग्मा कैसे निकालेंगे?
1/1.63 × 10⁻¹. ओके, ओहम मीटर रेस टू माइनस वन. कैलकुलेट करना कितना आएगा वैल्यू. 6.112 × 10⁻¹. चलो कर छापो. ये क्या हुआ, बोलो ना बेटे. ये कैलकुलेशन है जो आपको लॉग बुक से करना है, ठीक है, जो आपको अभी भी आता नहीं है ऐसा मुझे लगता है. देखते मैं सर को बोलता हूँ एक बार लॉग आपको पढ़ा दो, जिंदगी भर भूलेंगे ना, बच्चों को भी पढ़ाएंगे लॉग. चलो लिख के लो, लिख के लिए ऑनलाइन वाले. ओए ऑनलाइन वाले, बुक ले लो. थैंक यू बेटा, ये नया बुक लिया है क्या आपने? चलो तो अभी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैं बताना चाहता हूं. चलो इधर आए थे हम लोग, बोलो. हाँ, रेजिस्टिविटी किसके बारे में पढ़ेंगे अभी, बोलो. अरे किसके बारे में, जोर से बोलो. कौन सा विटी, ठीक है. रेजिस्टिविटी ये क्या आता है बोलो, रो से डिनोट किया जाता है, बराबर है ना. दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. ये कंडक्टर का कौन सा प्रॉपर्टी है बोलो, स्पेशल. स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ किसका, कंडक्टर. कंडक्टर का स्पेशल प्रॉपर्टी है. डिफरेंट कंडक्टर के लिए फॉर डिफरेंट कंडक्टर डिफरेंट क्या आएगा बोलो, डिफरेंट क्या आएगा. अरे बोलो ना, रेजिस्टिविटी. मुझे बताओ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. Different conductor, different resistivity. Different conductor, different resistivity. समझा बेटा, ये conductor difference आएगा तो resistivity भी difference रहने वाला है. Resistivity, okay. Resistivity का सबसे important thing. Resistivity का दूसरा formula है, resistivity is equal to electric field. कौन सा field? अपॉन क्या आएगा बोलो, करंट डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कैसे किया जाता है, इसे करंट डेंसिटी जे से, बराबर है ना. ओके, जे का फॉर्मूला क्या आता है, करंट डेंसिटी आई अपॉन आई का मतलब ए का मतलब. तो क्या लिखा इधर बोलो, ये इधर क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड. इधर क्या लिखा, इधर क्या लिखा, क्लियर हो गया. रेजिस्टिविटी तो ये फॉर्मूला है. ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रो इनटू जे. रो का मतलब क्या होता है बोलो, व्हाट इज मीन बाय रो. अरे रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी. और इधर क्या होता है, करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, करंट बोलती है पापा को बोलने नहीं. चलो लिखो,
ना? इसको कुछ भी सुनाई देता है ना, तो फिर वो कौन है? मैं ऐसा किसी को भी कुछ भी बोलता नहीं हूँ, मैं बोलूंगा कि देता हूँ। हो गया ठीक है? चलो अभी देखो, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और आयरन के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा? कैसे पता चला? मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अब डिराइव नहीं करना है बेटा, वो अभी याद रखना है बेटा। हाँ, किसी ने लोका था कि रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, ये आपको ना बेसिकली याद रखना है। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के ऊपर, ठीक है? चलो अभी हम लोग है ना वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? रोमन आपका संभाल के रखना। अरे छोटी छोटी बातें मेरे को क्या बता रही है? सही में बात कर। सैनिटाइजर का फंक्शन ही है। एकदम अच्छे क्वालिटी का नहीं है, पूरा ऐसा व्हाइट बनाएगा। हाँ एक्चुअली फटका भी खराब है, उसका ही मैं उसको रखता हूँ।
एसी बंद कर दी, बंद कर दी, ठंडी लगता है। हम लोग इतने एसी लगाते हैं महंगा वाला, तो भी उनको नहीं चलता। ठीक है, वो भी सपना सिंह, सपना ना, सपना सिंह तू भी सेक है ना, दोनों भी पहने हैं क्या? तो दोस्त है, बनी नहीं है अभी तक। इसको आ जाए ना, उतने ना 7 रुपए का चाय पीना, वो भी 5 रुपए में मिलता है कप में, तो चाय पीला दोस्त बन जाएगी। हाँ, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? वेरिएशन ऑफ विद किसके साथ? विद किसके साथ? विद वेरिएशन ऑफ विद टेम्परेचर। जोर से बोलो, वेरिएशन ऑफ। इसका मतलब क्या है? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता है किसके हिसाब से? टेम्परेचर के हिसाब से। आप टेम्परेचर बदलो, क्या बदल जाएगा? रेजिस्टेंस बदल जाएगा। टेम्परेचर बदलो, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? ऑनलाइन वाले टेम्परेचर। समझ में आया? रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। लेट आर नॉट बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट 0 degree Celsius। आर नॉट बी द रेजिस्टेंस एट 0 degree Celsius। ये देखो, ये आर नॉट है। Be the resistance at how much degree Celsius? 0 degree Celsius. R be the, बोलो, R be the resistance at T degree Celsius. कितना degree Celsius? T degree Celsius. R not be the resistance at 0 degree Celsius. R be the resistance at T degree Celsius. तो मेरे कहने का मतलब क्या है? Change in a resistance, बोलो. R minus R naught be the which resistance? बोलो, change in a किसमें? Change in a R minus R naught, change in a resistance. क्या लिखेंगे? Change in a resistance. नहीं समझा? अरे change हुआ, पहले कैसा था resistance? कितने टेम्परेचर पे? आग लगाया नीचे से, क्या लगाया? तो क्या हो गया रेजिस्टेंस? बी द एट टी डिग्री सेल्सियस। समझा कि नहीं? तो चेंज कितना हो गया? पहले ओरिजिनल कितना था? कितना था? आर नॉट। बाद में कितना हुआ? तो ये आर माइनस आर नॉट क्या हो गया? आर माइनस आर नॉट क्या हो गया? चेंज इन, नहीं समझे? टी डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर। पहले जीरो था, उसके बाद 25 हो गया, टी के जगह पे 25। पहले जीरो था, बाद में 36 हो गया, तो टी इज इक्वल टू, चलेगा? अच्छा लड़का ये भी, ऐसा मैं सबको बोलता। इधर क्या हो जाएगा? टी नॉट डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस। इधर क्या है? इधर क्या है? अरे आर माइनस आर नॉट, आर नॉट इज अ वीच रेजिस्टेंस, इज अ वीच रेजिस्टेंस। अरे बोलो ना, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? पहले क्या है, अभी क्या है? तो क्या लिखेंगे? T माइनस T नॉट बी द विच चेंज इन आर माइनस आर नॉट इज द, आर माइनस आर नॉट इज द चेंज इन आर नॉट बी द
माइनस टी नॉट बी द आर माइनस आर नॉट क्या हो जाएगा बोलो, आर माइनस आर नॉट क्या हो जाएगा डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी देखो ये देखो चेंज इन रेजिस्टेंस, अभी इसमें प्रोपोर्शनलिटी है। अभी इसको कैसे सैनिटाइजर की आदत लग गई। चलो चलो चेंज इन रेजिस्टेंस बोलो, चेंज इन चेंज इन रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या आएगा एंड सेकेंड राइज इन टेम्परेचर। ओके और इधर क्या लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर क्या बोला है, देखो मैंने क्या बोला है, चेंज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड चेंज इन, तो अभी क्या लिखेंगे इधर, चलो आर माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, ओके और R माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T माइनस, चलो अभी इकट्ठा करेंगे इसको, R माइनस आर नॉट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो, R माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट क्या आएगा, T माइनस टी नॉट, ये क्या आएगा आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा, क्या आएगा अल्फा, इधर क्या होता है आर नॉट टी माइनस टी नॉट, नहीं समझा, इधर क्या किया देखो मैंने, इधर क्या किया, ये क्या होता है अभी, इधर क्या होता है बोलो, कौन सा रेजिस्टेंस आर माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। तो बेटा देखो इधर क्या हो जाएगा, दोनों को इकट्ठा किया बराबर, तो आर माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी माइनस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा अल्फा, तो अल्फा क्या होता है कॉन्स्टेंट ऑफ कौन सा प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, चलो छापो सर, ये जहाँ पे ओरिजिनल है ओ पर ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ये भी ओरिजिनल टेम्परेचर, इसके लिए ओ है नॉट नहीं है, ठीक है निखिल मैं बताता हूँ, सुनो बेटा उन्होंने अगेन एक्सप्लेन करके बोला है, सुनो ए सब लोग इधर देखो आपका भी काम हो जाएगा, क्या बोला है देखो ए सुनो, हम लोग को क्या दिखाना है इधर से, वेरिएशन किस में इविता, इसका हमारे हिंदी में स्पष्ट हिंदी में क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है चेंज होता है किसके ऊपर से, आप टेम्परेचर बदल लो क्या बदल जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है टेम्परेचर आर नॉट का क्या हो जाएगा टी नॉट का क्या हो जाएगा, समझे आपको, तो आर
माइनस आर नॉट क्या होता है? क्या होता है? चेंज इन आर नॉट बी दिजिस्टर, ये चेंज इन रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट बी द, तो मेरे पास कितने क्वांटिटी है वैसे बोलो? तीन। कौन से है? R माइनस आर नॉट चेंज इन रेजिस्टेंस, उसके बाद टी आर नॉट इज टी माइनस टी नॉट बी द चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, R माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट T माइनस R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर क्या लिखा बेटा? अल्फा। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके निखिल जी, निखिल मोरे, हाँ मैं नीचे का लिखता हूँ बेटा, नीचे करोना मत लिखना, करोना से डर लगता है वर्ड से भी। निखिल ओके लिखो जल्द।
चलो हो गया लिख के, वीडियो हो गया लिख के। हाँ मैं बताता हूँ नीचे का उधर का। हाँ ओके, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन अ, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन अ, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, ओ मैडम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कौन से साइन से डिनोट किया जाएगा, अल्फा। चलो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस, क्या लिखा समझा क्या, अल्फा का कैसे लिखा, अल्फा का कैसे लिखा, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। चलो यस यूनिट ऑफ अल्फा इज क्या आएगा बोलो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा बोलो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा, ओम। हाँ समझा ना, कोएफिशिएंट ऑफ, ये अल्फा का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय अल्फा, इधर लिखा था अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके तो अल्फा क्या लिखा बोलो, ये क्या होता है बोलो, ऊपर क्या होता है, कौन सा रेजिस्टेंस, आर माइनस आर नॉट कौन सा है बोलो, चेंज इन चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन चेंज इन समझे आपको। चलो रेजिस्टेंस है आर, इधर क्या लिखा ओहम, इधर क्या होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, क्लियर हो गया। अल्फा का मतलब क्या है, नीचे लिखा था अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर माइनस आर नॉट चेंज इन आर नॉट इज टी माइनस टी नॉट, और इधर यूनिट क्या लिखा, इधर इधर ओम ओम वन अपॉन काम करता।
हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनको बोल रहा हूं। हो गया, चलो नेक्स्ट। इधर हाँ अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टाइम होने आया है। चलो प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 चलो करो। कौन है वो माई का लाल या लाली देखते हैं जो सम सॉल्व कर सके। चलो हाँ क्या करना है देखो। हाँ बेटा रीड करो क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर कितना बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां बोल। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओम। हाँ बेटा जरा प्यार से बोलो। सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओम। हाँ चलो सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस कितना दिया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है 4.2 ओम। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। समझा यार नॉट को क्या लेके लिख लिया और टी को क्या लिख लिया, टी नॉट को 4.7। बोल आगे। अल्फा को कैसे फाइंड आउट करेंगे बोलो। आर माइनस टी माइनस आर माइनस आर नॉट टी माइनस कम खल्ला इधर ही चाहता वैल्यू पुट सॉरी आर नॉट आएगा ना नीचे करेंगे वैल्यू पुट। Now, I'll turn it off.
आर कितना आएगा? आर नॉट कितना आएगा? आर नॉट का टेम्परेचर देखते हैं जोर कितना किसके दिमाग में है, कौन है वो लाल या लाली? चलो गए टाइम भी हो गया बेटा, चलो आया आंसर सबका। यस वेरी गुड। कितना 3.91 × 10⁻³ क्लियर ना? ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार पढ़ के आना। कैसे पढ़ के आना? जोर और दार, ठीक है? तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, सब लोग पढ़ते रहना, अच्छे से रहना।